हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हो अपना प्रोग्राम प्रॉब्लम का सलूशन। तो पहले हम पिछली प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की प्रॉब्लम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पिछली प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर करें। अब बेरोज़गारी से क्या मतलब होता है, काम नहीं होना या फिर काम नहीं मिलना। ऑब्वियसली काम तो होता ही होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो होता ही होता है जिसे करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम बेरोज़गार हैं। तो अब देख लेते हैं पहली बात कि बेरोज़गारी को कैसे दूर करें। इससे पहले देख लेते हैं कि किस वजह से लोग बेरोज़गार होते हैं। तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग जिनको अपने फील्ड में काम चाहिए होता है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी और फील्ड में काम करना, और बस वेट करते रहते हैं कि अब मुझे अपनी फील्ड में काम मिलेगा तब जाके मैं कोई काम करूँगा, तभी मैं कोई काम करूँगा। समझ इस बात को। तो इस वजह से वो बेरोज़गार हो जाते हैं, बहुत दिन तक बेरोज़गार रहते हैं जब तक उनको अपनी फील्ड में काम नहीं मिलता है, तो वो फील्ड डिसाइडेड होते हैं। सेकेंड चीज़ होती है स्मॉल जॉब, छोटी नौकरियाँ। लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत छोटा काम है, ये तो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे कुछ ऊँचा वाला काम चाहिए, कुछ ऐसा काम चाहिए इसमें लोग हमारी इज्जत करें। तो एक ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग हमेशा बेरोज़गार रहते हैं कि मुझे छोटी जॉब नहीं करनी है, मुझे हमेशा बड़ी जॉब करनी है इस चक्कर में। और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें अपना बिज़नेस करना होता है। बिज़नेस करना है अच्छी बात है, लेकिन उसको शुरू करने में थोड़ा वक्त लगता है, और उस बीच आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो तो सोचो कितनी इरिटेशन होती है। आप शुरू कैसे करेंगे, आप यही सोचते जाते हैं और इस चक्कर में लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। तो ये तीन वजह थी जिसकी वजह से लोग अक्सर बेरोज़गार होते हैं, और इसका सलूशन भी है जिसकी वजह से वो बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। तो सोल्यूशन की बात करें तो पहला सोल्यूशन ये है कि अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब करनी है तो ज़रूर करिए, लेकिन जब तक आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है तब तक आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी फील्ड में जॉब को ढूंढ सकते हैं, इससे कि आप खाली भी नहीं बैठेंगे और आपको अपनी फील्ड में एट लास्ट जॉब मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ का जो सोल्यूशन है वो ये है कि कोई भी काम यार छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमने सबने सुना है, काम काम होता है। दिक्कत वहाँ आ जाती है जब हम सोसाइटी वालों को कहते हुए सुनते हैं कि यार इतना छोटा काम कर रहा है ये, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, इतनी बड़ी डिग्री है तेरे पास। समझ लो इस बात को। वो अक्सर आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चाहे आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे और नहीं करोगे तो पक्का ही कहेंगे, है ना। तो कहेंगे हमेशा पर मदद नहीं करेंगे कभी। मदद खुद आप अपनी कर सकते हो, कैसे, कुछ ना कुछ काम करके, खाली ना बैठ के। जब आप कुछ काम करोगे तभी पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तभी आप कुछ सोच सकते हो, अदरवाइज़ खाली बैठ के सिवाय ताने सुनने का आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो ज़रूर करिए, लेकिन खाली बैठ कर तो बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम आपके कुछ ना कुछ आती रहे, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी कुछ अच्छा सोच सकें और जल्द ही एक बेरोज़गार को भी आप रोज़गार दे सकें। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप बेरोज़गारी की इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इससे आप इस तरह से आराम से बाहर निकल सकते हैं, कुछ ना कुछ काम शुरू करके, खाली नहीं बैठकर। ठीक है, फिलहाल आज की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। आज की प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम फिज़िकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। अगर कोई हमारा फिज़िकल प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि हमारा पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, या फिर किसी को कुछ कैंसर हो गया है, या फिर कुछ और ऐसी बीमारी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो हम उसका तुरंत इलाज कराते हैं। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम हमारी मेंटल होती है, जैसे कि किसी को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी को काफ़ी दिन से सब कुछ अच्छा रहते हुए भी खालीपन फील हो रहा है, किसी को किसी पर बेवजह शक हो रहा है जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को बहुत ही नॉर्मल बातों पे भी एकदम अचानक से गुस्सा आ जा रहा है या फिर अचानक से हंसी आ जा रही है, तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन हम तो इलाज तो बहुत दूर की बात है, हम इस पर सोचना भी नहीं चाहते हैं, इसको हम सुनना भी नहीं चाहते कि तुम में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा प्रॉब्लम यही है आज का कि हम क्यों दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। कि अगर हमारी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, अगर हमारा पैर दर्द हो रहा है, तो हम क्या ये मानते हैं कि हमारा पैर ही ख़राब है, हम ऐसा तो नहीं मानते ना। तो हम क्यों मानते हैं कि अगर हमारा मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो हम पागल हो गए हैं, अब ना हमें लोग साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। और सही बताओ, साइकेट्रिस्ट का नाम सुन के लोग को लगता है कि वो ना पागल हो गए हैं, इसलिए लोग उनके पास हमें लेके जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों मानना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब कि तुम पागल हो, कहीं ना कहीं एक टोंट में लोग कह देते हैं, जिसका बहुत बुरा असर हमारे पे पड़ता है और पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन क्या हो, जिससे कि लोग
इसको अलग अलग तरह से ट्रीट करना बंद करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दोनों हमारी प्रॉब्लम है, हमारे शरीर की प्रॉब्लम है, और इसका इलाज अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, अगर है तो कुछ ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और सोचते रहिए, सोचेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। टेक केयर, बाय।